छह और पैरामीटर्स हैं जो हम उसमें डालें, उधर उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब वो इन्फॉर्मेशन देख करके वो फिर भी वो स्टॉक खरीदना चाह रहा है तो इट्स फाइन, राइट। अभी तक जो म्यूचुअल फंड कंपनियां इन्वेस्टर का बेवकूफ बना रही थी, अब सीबी के इस नए रूल से वो आपका बेवकूफ नहीं बना पाएंगी। लेकिन नए रूल को जानना हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। चलो देखते हैं क्या है ये नया रूल। अभी ये होता है कि आप किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दिखाए जाते हैं कि पिछले एक साल में आपको इतना रिटर्न दिया गया है और तीन साल में इतना, दस साल में इतना रिटर्न दिया गया है। तो रिटर्न देखकर हम बहुत ही खुश हो जाते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने तो 30% दे दिया, 40% दे दिया, तो हमें लगता है कि ये फंड बहुत ही अच्छा है। तो हम उस म्यूचुअल फंड से एक उम्मीद लगा लेते हैं कि अब की बार भी वो 30% नहीं तो 25% तो अब की बार भी दे ही देगा। तो कुछ इस तरह की उम्मीद हमारी बन जाती है। तो ये मानकर चला जाए कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये जानबूझकर हमें इतना हाई रिटर्न दिखा रहे हैं ताकि हम डिसीजन ले पाएं और इनके म्यूचुअल फंड में घुस जाएं। यही चाहते हैं ये कि तुम इनको अपना पैसा दे दो और ये तुम्हारे पैसे को मैनेज करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियाँ हैं या फिर म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो आपका पैसा मैनेज करेगा, वो कितना रिस्क ले रहा है आपका 30% या 25% निकालने में। अगर कुछ हो जाता तो आपका कितना पैसा डूब जाता, इस बात का भी तो आपको पता होना चाहिए। इस प्रॉब्लम का समाधान लाया है RAR रूल। सीबी ने जो नया रूल निकाला है अभी वे उस पर लोगों की सलाह ले रही है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इसको अप्लाई करने के लिए सीबी ने 19 जुलाई का टाइम दिया है। सीबी ने ये किया है कि RAR रूल में हर फंड हाउस या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी को ये दिखाना है कि वो जो म्यूचुअल फंड आप दिखा रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। सीबी ये कहना चाह रही है कि बर्बाद होने के चांस कितने हैं ये भी लिखो। अभी तक क्या होता था कि हर फंड हाउस के अलग अलग सेट ऑफ पैरामीटर होते थे जिसमें वो अपने डाटा को अच्छा दिखाने के लिए अपने पैरामीटर को ही चेंज कर देते थे और आम आदमी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। तो सीबी अब क्या करेगी, सबके लिए एक यूनिफॉर्म लाएगी। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि सबके लिए एक बराबर इन्फॉर्मेशन बेस पर ही हर म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर फंड हाउस काम करेंगे। अभी म्यूचुअल फंड हाउस या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी अपने हिसाब से कुछ भी दिखा रहा है क्योंकि कोई रूल नहीं है। लेकिन अब ये रूल आ जाएगा और सबके लिए एक यूनिफॉर्म हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा पारदर्शिता हो जाएगी, यूजर को पता होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को कितने रिस्क पर इन्वेस्ट कर रही है और इसके अलावा कितना किस किस जगह पर रिस्क लिया जा रहा है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप इससे बेटर कंपैरिजन कर पाओगे कि इस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है और दूसरे म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, आपको दूसरा म्यूचुअल फंड कितने रिस्क पर कितना रिटर्न दे रहा है और इस म्यूचुअल फंड में हमें कितना रिटर्न पर कितना रिस्क लेना पड़ रहा है। और तब आप देख पाओगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है। यूजर को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा क्योंकि यूजर को पता होगा कि वो अपने फंड को किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है और उसमें कितना रिस्क है, क्योंकि कभी कभी लोग लोन लेकर भी पैसे को लगा देते हैं और प्रॉफिट के चक्कर में सारा का सारा पैसा लॉस में चले जाता है। अगर आपको ये रूल अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।